हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन एंड इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन. अगर द फर्स्ट वी नोट डाउन आवर राइट द टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन एंड टुडे आवर टॉपिक इज फ्रिक्शन. The first we discuss what is the friction. For friction, we take first an example. Suppose like that there is a table on a ground. Basically, suppose यहाँ पे क्या consider कर लेते हैं, table है ground पे, ठीक है. चलो ground पे हमने क्या किया, एक table रखी और इस table पे क्या कर रहे हो तुम, जैसे मान लो तुम force apply कर रहे हो, ठीक है. जैसे कोई भी table होगा, table के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, force apply करते हो. थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो, मैं इसकी थोड़ा सा धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, टेबल मूव कर रहा है नहीं, ठीक है. एक सर्टेन लिमिट होगी, उस लिमिट तक अगर तुम फोर्स अप्लाई करते हो तो टेबल पे वहाँ पे कोई भी इफेक्ट दिखाई देती है नहीं. मीन्स जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो क्या हो रहा है, टोटली क्या हो रहा है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है. ये चीज हमने देखिए, अब कोई भी टेबल होती है, हेवी टेबल होती है, उसको फोर्स अप्लाई कर दो मोशन करता है नहीं करता है, एक लिमिट तक नहीं करता. फिर हम धीरे धीरे फोर्स क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते, और लिमिट के बाद टेबल थोड़ी सी क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है. तो एक लिमिट जो होती है, उस तक जो फोर्स लगा रहे थे उसको फोर्स का क्या हो रहा है, ठीक है. और ऐसा तो नहीं है कि फोर्स लगा रहे तब तक उसको हम काउंट नहीं करेंगे. न्यूटन ने क्या बोला था कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अगर स्टेशनरी है तो क्या होगा, मोशन. और मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो तो मोशन में चेंजेस होगा. और मोशन की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या चीज हो सकती है, स्टॉप हो सकता है, ठीक है. पहले मोशन में चेंजेस हो सकता है, बट यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स का क्या हुआ, इस चीज का ये हो रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से भी कोई फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है. हाँ, दिख भले नहीं रहा होगा, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो जहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड पे टच होती है, ठीक है. तो तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और ग्राउंड क्या करती है, उसको ओपोज कर रही है. ग्राउंड उसको क्या करता है, मोशन करने से ओपोज कर रहा है. मींस एक क्या लग रहा है, ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, और वो करंट को क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, मींस कि होने से रोक रहा है, ठीक है. ओपोज का एक चीज क्या मींस होता है, किसी भी चीज को रोकना, ठीक है. तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑपोजिंग फोर्स ग्राउंड क्या कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, उसकी वजह से मोशन हो रहा है. नहीं, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये पहले भी तो लग रहा होगा कि पहले जब लग रहा था टेबल इधर मूव करना, जब तुमने फोर्स अप्लाई किया नहीं किया तब भी तो ये फोर्स लग रहा होगा नहीं, ठीक है. तो ये पॉइंट याद रखना, ये फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे उसी टाइम पे फोर्स अप्लाई होता है. अगर मान लो ये पहले से लग रहा था तो टेबल का क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन मूव करना चाहिए था, बट क्या टेबल पहले इस डायरेक्शन मूव कर रहा था, नहीं, टेबल क्या था, अपनी पोजिशन पे फिक्स था. जैसे ही तुमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया वैसे क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स प्रोड्यूस होना जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तुम फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे, तुम और फोर्स बढ़ा रहे, और फोर्स बढ़ा रहे, ठीक है. तो अब ये चीज क्या होती है, तुम बढ़ाते जाते हो तो इसकी एक लिमिट होगी, ठीक है. उस लिमिट से अगर तुम ज्यादा फोर्स लगाते हो तो टेबल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. और फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ग्राउंड पे. ग्राउंड कैसा है, रेगुलर शेप पे, इरेगुलर है, रफली है, एकदम साइनी है, या फिर एकदम ये बोल सकते हो स्लिपरी है, ठीक है. किस टाइप का है, एकदम प्लेन है, उस पे डिपेंड करेगा, मींस की सरफेस पे डिपेंड करेगा. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो, ठीक है, सरफेस पे डिपेंड करेगा. और इसी के लिए तो एक एग्जांपल और ले रहे थे, जैसे मान लो समर विंटर में हम क्या करते हैं, विंटर में बहुत ज्यादा अगर ठंडी हो तो हम हैंड्स को क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं, ठीक है. हैंड को क्या करते हैं, रब करते हैं, और रब करने से वहां पे क्या होता है, हमारे हैंड क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, हॉट होने लगते हैं. वहां पे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो वो हीट एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मींस कि ये हैंड का जो सरफेस है और ये हैंड का जो सरफेस है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो इस फोर्स को भी हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स. मींस ये क्या होता है, रब कर रहा है, तो ये ओपोज करेगा, ये फर्स्ट वाला सरफेस सेकंड वाले पे लगा रहा होगा, सेकंड वाला सरफेस क्या कर रहा होगा, फर्स्ट वाले सरफेस पे लगा रहा होगा, और इस फोर्स को भी हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन. और इसी में जैसे मान लो तुम क्या करो, अगर ऑयल लेके हाथ में ऑयल लेके अच्छे से लगा के फिर अगर ऐसा करो तो वहां पे चीज होती है नहीं, तो वहां पे सरफेस क्या होता है, एकदम स्लिपरी हो जाता है. इसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसके वजह से वहां पे हाथ जल्दी गर्म होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है. तो इन शॉर्ट वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, मींस किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे, ठीक है. तो ये एक पॉइंट याद रखना, इन शॉर्ट किस पे डिपेंड करता है,
सकते हैं। और दूसरा आप बोलोगे सर वेट पे भी तो डिपेंड करेगा, हाँ दूसरा वेट पे भी डिपेंड करता है। कैसे? अब देखो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में होता है एफ इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। और स्मॉल एफ के लिए फॉर्मूला होगा ना म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। And n is the normal force or normal reaction, ठीक है, normal भी बोल सकते हो, normal reaction भी बोल सकते हो, normal force भी बोल सकते हो, ठीक है। normal means क्या होता है, perpendicular, normal means what, perpendicular means हम जिस direction में force लगा रहे हैं उसके perpendicular कोई force लगना हो। अब जैसे देखो तो इसी के लिए थोड़ा एक example और, जैसे मान लो टेबल है, ठीक है, जैसे मान लो टेबल का सर्फेस है, ठीक है, ये क्या है, टेबल का एक सर्फेस है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मान लो एक बुक रख दी, ठीक, और बुक पे हम क्या करते हैं, एक फिंगर से ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे तो होगा नहीं, एक लिमिट होगी, उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे भी इस बुक का जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे क्या लगा रहा होगा, टेबल का सरफेस, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, और हम फोर्स क्या कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, ये होगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स। अब बुक का जो वेट होगा, बुक का जो मास होगा, उसकी वजह से क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बुक क्या करनी चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि जो टेबल के सरफेस वो भी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ में भी देखा है, ठीक है। बुक क्या कर रही है, टेबल पे फोर्स लगा रही है, टेबल क्या कर रही है, आपस फोर्स लगा रही है, किस पे के ऊपर, बुक के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल, ठीक है, इसके लिए होता है n, और ये किसके इक्वल टू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल। मींस ये दोनों फोर्सेस हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए बुक ना तो ऊपर जाती है, बुक ना डाउनवर्ड जाएगी, बुक सिर्फ राइट साइड या राइट साइड जा सकती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये फोर्स ज्यादा है, हमारी कंडीशन अगर ऐसी है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो बुक क्या करेगी, कौन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी। तो हमारे एक और फॉर्मूला आएगा म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। अब देखो, और दूसरा एक वर्ड हमारा बच्चा म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है सरफेस के मटेरियल पे। मटेरियल में से अगर ग्लास होगा तो एकदम स्लिपर, एकदम प्लेन होगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। और वही टेबल अगर तुमने ग्राउंड पर रखा है, जहां मिट्टी वगैरह पार्टिकल्स होंगे, सैंड होंगे, तो वहां पे सरफेस का जो कोएफिशिएंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, ज्यादा होता है। और जहां पे फ्रिक्शन कम लग रहा होता है, मतलब वहां पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और इसके लिए एक सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना, और इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दो चीज आएगी, सब बोलोगे आप, हमने एस क्यू लिखा हुआ। देखो, अब स्टार्टिंग में ये होता है, कोई भी चीज को स्टार्ट करने में क्या होता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे मिस टेबल कहीं भी स्टेशनरी है, और उस पर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेशनरी है, उसको फोर्स अप्लाई करने, मोशन करने में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, देखो दो टाइप के आएंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट हमारा आएगा स्टेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टेटिक फ्रिक्शन का प्रोड्यूस होगा जब तक ये मोशन नहीं कर रहा तब तक, देखो थोड़ा सा और वापस रहता हूँ, मिसके हमने टेबल पे फोर्स अप्लाई किया, टेबल स्टेशनरी है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, और हमारा फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स से भी कम है, ठीक है। ये हमने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला, ये अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो टेबल मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह क्या है, वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटिक फ्रिक्शन। और स्टेटिक फ्रिक्शन के लिए सिंबल क्या रहेगा, एफ एस, उसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन रहेगा तो म्यू एस। और दूसरी चीज, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया, तो टेबल ने मोशन करना क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया, टेबल ने मोशन करना स्टार्ट किया, तो अब क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, अब भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, अब पहले के कंपेयर में फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि अभी भी अगर फ्रिक्शन उतना लगता तो टेबल मूव कर रही होती नहीं। अब हमारा फ्रिक्शन, हम फोर्स ज्यादा लगा रहे, तो उसके कंपेयर में जो फ्रिक्शन फोर्स था क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अब मोशन करते टाइम भी अगर कोई फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन करना, मूविंग करना, ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जहां एस है वहां सिर्फ के कर दो, बस फॉर्मूला सेम एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा,
ठीक है। और एक कंडीशन याद रखना, यहाँ पे हमेशा ये होता है एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, मीन्स स्टेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किस चीज से, काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो इतना सा नोट डाउन कर ले फटाफट, और ये दो एग्जाम्पल्स याद रख लेना और ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लो आराम से, फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अब देखो इसके बाद स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल 5.7, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स इज लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, गिवन दैट द कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर इज 0.15। मतलब क्या फाइंड करने के लिए बोला, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला, किसका, ट्रेन का, और क्या गिवन है, म्यू एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखो अब नेक्स्ट का एग्जांपल 5.7, ठीक है। चीज देखो तो क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, और म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस देखो डायरेक्टली लिख के नहीं देगा, हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन बिटवीन ट्रेन सरफेस एंड बॉक्स सरफेस, में इसकी बॉक्स होगा और ट्रेन का जो सरफेस होगा उसके बीच में कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू दी है 0.15, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसके लिए कोई यूनिट भी नहीं, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब चीजें वो क्या बोल रहे हैं, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी ट्रेन क्या अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर कहीं सरफेस पे हमने क्या किया, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे बहुत बार होता है कोई भी चीज, जैसे कि मान लो तुमने रखा है और इसके नीचे से अगर तुम क्या करोगे, कोई भी चीज स्पीड में खींच लेते हो तो वो क्या चीज वहीं पे रह जाती है। जैसे मान लो दो बहुत बार क्या करो, तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक पेपर रखो, पेपर के ऊपर तुम मान लो कोई नहीं है कोई चीज रखो, ठीक है, और उस पेपर को क्या करो, स्पीड में वहां से निकाल लो, तो क्या हो जाता है, पेपर निकल जाता है, बॉक्स कॉइन क्या रहेगा वहीं रह जाता है और ग्लास के अंदर गिर जाता है, ये चीज होती है। अब उसका मतलब क्या होता है, हमें फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम लग रहा होता है इसकी वजह से, और बहुत बार क्या होता है हम खींचेंगे तो साथ में भी आ जाता है, तो वहां पे मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होता है सरफेस के बीच में, इसके लिए वो क्या आता है, साथ में आता है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रेन क्या करता है, मूव कर रहा है और ट्रेन के ऊपर क्या रखा है, बॉक्स रखा है, तो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अगर इसको स्टेशनरी रखना हो तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए ट्रेन के कंपेरिजन, तभी वो क्या रहेगा, अपनी पोजीशन पे स्टेशन ही रहेगा, और हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो तो अब दो ही चीज लग रही होगी, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और एक क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, तो दोनों इक्वल होगा, तो एक बॉक्स कैसा रहेगा हमारा स्टेशनरी, ठीक है, और दोनों फोर्स अगर इक्वल होगा तभी फोर्स बॉक्स कैसा रहेगा स्टेशनरी, अगर ट्रेन का फोर्स ज्यादा हो तो बॉक्स इधर चला जाएगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉक्स इधर चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, तभी ये क्या रहेगा, अपने पोजीशन पे स्टेशनरी रह सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमने ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ा हुआ है, सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ के लिए फॉर्मूला क्या आता है, म्यू एस इंटू एन, और एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम जी, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, एम ए इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। और इसीलिए देखो बॉक्स का मास नहीं गिवन है क्योंकि मास की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एम एम कैंसिल हो गया, बचा क्या है आपके म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.15, ठीक है, और जी की वैल्यू देखो ले लेते हैं 10, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा 0.15 इंटू 10, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, सो बीस की ट्रेन का एक्सीलरेशन इतना होना चाहिए, तब तक बॉक्स कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, और इससे ज्यादा होगा तो बॉक्स भी क्या करने लग जाएगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।